सो गाइज, विवेक इज मेकिंग समथिंग। इसकी रेसिपी क्या है मुझे नहीं पता, बट कुछ तो यम बना रहा है, ये यमी लग रहा है देखने में। विवेक को ही पूछेंगे कि क्या है ये। आज का है, आज ये विवेक स्पेशल बन रहा है एंड आई थिंक आज वेज बना रहा है विवेक। और वाओ, आलू भिंडी की सब्जी भी बना दी विवेक ने, अमेजिंग। ये क्या है, ये बड़ी उत्सुकता हो रही है मुझे। विवेक, तुम जो बना रहे हो वो अभी मैं देख के आ रही हूँ। देख लिया तुमने? हाँ, वो आलू भिंडी तो बहुत मस्त लग रहा है। बट उसके साथ क्या बना रहे हो यार, समझ में नहीं आया। वो रेसिपी तुमको जानना है, किसको जानना है? वेल, जानना तो बहुत जन को है ऑफ कोर्स, क्योंकि आई एम श्योर जानना चाहेंगे कि तुम ऐसा क्या बना रहे हो। इन शॉर्ट मैं बोल रहा हूँ वो पनीर खिचड़ी है। पनीर की खिचड़ी, उसकी रेसिपी सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ हैंकी पैंकी नहीं है। घर पे जो सामान है उससे बना सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस जो है वो थोड़ा अलग है। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक दिन। उसको भी जानना है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करे तो मैं शेयर करूंगा आपसे। वैसे देखने में बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे भी, मेरा फेवरेट है वो, मैं बहुत खाता हूँ। यम्मी, तो आज पनीर खिचड़ी। पनीर खिचड़ी, वाओ। और फिर मैं ये ड्रेस पहन के स्वीट डिश बनाऊं। यस, वाओ। ओ वाओ, यम्मी, अच्छी लग रही है। ओ थैंक यू। सो मैं आ गई हूँ तैयार होके स्पेशल स्वीट डिश बनाने। और ये बेसिकली जो मैं बना रही हूँ वो हम लोग बंगाली में पायश बोलते हैं, बट सब ऑल ओवर इंडिया बेसिकली खीर नाम से जाना जाता है। बट ये बंगाली स्पेशल पायश बन गया है अभी। टू मच ऑफ क्रैकर्स गाइस, बहुत नॉइज है। और ये आज मैं बना रही, देखो तैयार होके बाल बाल बांध के आ गई मैं खाना बनाने। वाह, जस्ट इमेजिन। तो अभी मैंने दूध चढ़ा दिया है और दूध अभी हल्का सा गर्म होगा तो तब मैं उसमें चावल डालूंगी। तो दूध मेरा गर्म हो चुका है और अभी मैं इसमें डालूंगी तेज पत्ता। तेज पत्ता डल गया। चावल का मैंने क्या किया था, धो के इसको भिगो के रखा था, तो अभी वही चावल मैं इसमें डालने वाली हूँ। ये छोटा टुकड़ा वाला चावल है जो पायस के लिए बहुत ही सही होता है। तो आज को मैंने एकदम सिम में कर दिया है, क्योंकि जो चावल है ये एकदम धीरे धीरे पकना है। अभी मैंने दूध में चावल डाल दी और टाइम टू टाइम हमें इसे मिलाते रहना है, वरना ये चिपक जाएगा। और चीनी अभी नहीं डालनी है बाद में, एकदम सिम में पकाना है। सो वेल, अभी पायस बन रही है। मैं धीरे 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 करके स्टर कर रही हूँ। लाइक आई सेड, सिम में आंच होना बहुत जरूरी है गाइस, और दूध उबल के ना गिर जाए वो भी ध्यान रखना है। चावल है, धीरे धीरे उबलेगा, जब तक चावल पूरी तरीके से कुक ना हो जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चावल पूरी तरीके से कुक हो। सो गाइस, चावल पक गया है, अभी हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी हैज टू बी मोर देन चावल। चावल जितना डाले उससे ज्यादा चीनी डालना है। तो मैंने अभी काफी चीनी डाल दी है इसमें। एक बार थोड़ा सा टेस्ट करके देखूंगी कि द स्वीट इज फाइन। लग तो अच्छा रहा है। थोड़ा चीनी को मेल्ट होने देते हैं। द शुगर इज मेल्टिंग नाउ गाइस। अगर इन केस मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैं वापस से थोड़ा सा डाल दूंगी। थ्रू आउट गाइस याद रखना, आंच सिम में होना चाहिए। तो मैंने थोड़े से काजू बादाम और किशमिश भी रखे थे। काजू बादाम को थोड़ा तोड़ तोड़ के और किशमिश होल है वो अभी मैं डाल दूंगी इस पायस में। इसको मिला लेते हैं। लुकिंग गुड। थोड़ी देर और इसको उबालते हैं, फिर देखते हैं इसका टेस्ट। सो मैंने अभी टेस्ट किया, मीठा एकदम बराबर है। हॉट पायस में जितना मीठा लगता है ना, ठंड होने के बाद वो और ज्यादा मीठा हो जाता है। तो उस हिसाब से हमें मीठा टेस्ट करना चाहिए। और पायस जो है इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे पहले ठंडा करके फिर उसके बाद इसको फ्रिज में डालें और फिर चिल्ड खाएं, उसमें मजा है। सो गाइस, लाइक यू कैन सी द पायस इज रेडी एंड इट रियली लुक्स गुड। देखिए एकदम वाव, लव इट। ये थोड़ा ठंडा होगा ना तो और जम जाएगा, सो इट विल टेस्ट नाइस। सो मैंने खीर बना ली
एंड इट्स वेरी हॉट, बट बाहर थोड़ा सा वेदर अच्छा है, अच्छा लग रहा है, हालांकि मैं तो पसीने से लथपथ हूँ। बट बना ली खीर, अभी विवेक नीचे गया है, वो आपको थोड़ा टेस्ट करेगा और बताएगा कि कैसा है। मीठा बनाना चाहिए दिवाली काली पूजा के ओकेशन पे, तो इसीलिए मैंने बना ली, आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर ली। और विवेक ने भी बहुत ही अच्छा डिश बनाया है, जो आई एम वेरी एक्साइटेड टू एक्चुअली ईट एंड टेल यू गाइस कि हाउ इट इज़। वेल, आज का तो मोस्टली काम ख़त्म हो गया, बट कल बहुत काम है वापस, सो टुमारो ऑल्सो देयर इज लॉट्स कमिंग अप गाइज, एंड वील कीप शोइंग यू टिल आर दिवाली सेलिब्रेशन। हम आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ईच एंड एवरी थिंग आपके साथ हम दिवाली पे शेयर करें। सो एनीवेज, विवेक का वेट करते हैं और देखते हैं वो पायस खा के क्या बोलता है, और फिर उसका डिनर खा के मैं बताऊंगी कि कैसा है। मॉर्निंग गाइज, ओह कल ना खाना खाने के बाद ऐसी हालत हो गई थी, इतनी नींद आई कि एकदम फटक से सो गई मैं, एनर्जी नहीं थी क्योंकि पूरा दिन काम वाम करने के बाद सच में बहुत बहुत ज़्यादा थक गई थी। एनीवेज, पहले ना विवेक को पूछते कि उसको पायश यानी कि खीर कैसा लगा जो मैंने बनाया था। तो विवेक, कल रात को तुमने पायश खाया, कैसा लगा? बहुत अच्छा था, और मतलब थोड़ा सा ही खाना चाहिए क्योंकि बहुत स्वीट होता है वो। हाँ। और डेबी ने स्वीट को भी अच्छे से बैलेंस किया था, तो ओवर स्वीट नहीं था, बट ये हर घर में बनता, आपने खाया होगा, मेरा तो फेवरेट है ये पूड़ी और आलू दम, इसकी कॉम्बिनेशन मतलब मेरी मम्मी बचपन से लेके मुझे खिलाती आई है, तो मुझे बहुत पसंद है। तो कल जो खाया भाई, मजा आ गया, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे जो भी उसमें डलते हैं इंग्रेडिएंट्स, उसमें सब कुछ आपको दिखाया गया था, ट्राई करिए। और घर वाली मिठाई खाइए, बाहर से तो खाते ही है, घर पे भी खाओ यार, लोगों को भी खिलाओ। और तुमने जो बनाया पनीर खिचड़ी और सब्जी, वो कैसा लगा? पनीर खिचड़ी और मजेदार, सब्जी तो मतलब अलग ही लेवल की थी, बट पनीर खिचड़ी जो था वो बहुत ही टेस्टी था। ये होता है खुद का गुनगाना। अब मैं खाऊंगा तो अभी मैं फीडबैक दूंगी, मैं फीडबैक दूंगी, मैं दूंगी। तो अभी मैं ऑनेस्ट फीडबैक देने वाली हूँ। उधर खड़ा है, उधर पे खड़ा है विवेक। मैं सुनो, मैं ऑनेस्ट फीडबैक देने वाली हूँ तुम्हारे खिचड़ी की। हाँ, दे दो। खिचड़ी और भिंडी और आलू की। जनता खाए, जनता ही फीडबैक दे। सो गाइस, जो पनीर खिचड़ी और आलू भिंडी की सब्जी इसने बनाई थी, अब क्या ही बोलू, वो क्या बना था, इतना माउथ वाटरिंग था, सच में मजा आ गया कल वो खाके। मतलब आई वॉज सो एंजॉयिंग एवरी मॉर्सल ऑफ इट, बहुत मजा आया। खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी, और जो उसके साथ जो आलू भिंडी का कॉम्बिनेशन था, वो भी खाके बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। सो आई रियली एंजॉयड इट, मुझे बहुत 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 टेस्टी लगा। उसके बाद जो पायस खाया वो तो अलग ही मजा आ गया, हालांकि हमने बहुत थोड़ा सा खाया कल, लाइक ही सेड स्वीट्स ज्यादा शुडंट ईट। तो वैसे तो मजेदार था, हमने खाया, मजा भी आया, बट खाने के बाद इतनी नींद आई कि हम फीडबैक दे ही नहीं पाए, बात नहीं कर पाए, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, आज सुबह बोल देंगे। तो ये था, अभी आज भी बहुत काम है गाइस। अगेन इट्स अ टू बी कंटिन्यूड व्लॉग, रात को डेफिनेटली देखना, क्योंकि हमारा आज के दिवाली सेलिब्रेशंस सब देखने मिलेंगे। और ऑफ कोर्स पूरा व्लॉग देखें, व्लॉग को लाइक करें, व्लॉग को शेयर करो गाइस, प्लीज शेयर आवर व्लॉग्स एज मच एज पॉसिबल। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस टू बी कंटिन्यूड है, रात का व्लॉग भी देखना ना भूलना। हैप्पी दिवाली गाइस।